हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नरदेव बुडवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल नरोज ऑटो ब्लॉग। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, आज मैं करने वाला हूं 2020 BS6 टाटा नेक्सॉन XM वेरिएंट का कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू, और जिसके लिए मैं आया हूं सागर मोटर, विच इज लोकेटेड अपोजिट दिलसाद गार्डन मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली। और यहां मैं मिला हूं मिस्टर गुरविंदर जी से, जिनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बेटर डील के लिए आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये है दोस्तों ऑल न्यू 2020 BS6 टाटा नेक्सॉन XM वेरिएंट। जहां तक इसकी प्राइसिंग की बात करें तो टाटा नेक्सॉन XM पेट्रोल की प्राइस जाती है 7.84 लाख एक्स ओन प्राइस दिल्ली, वहीं इसकी ऑन रोड प्राइस है 8.80 लाख। वहीं हम बात करते हैं BS6 टाटा नेक्सॉन XM डीजल वेरिएंट की, तो इसकी प्राइस जाती है 9.20 लाख एक्स ओन प्राइस दिल्ली और इसकी ऑन रोड प्राइस जाती है 10.44 लाख। और कंपनी इसमें ऑफर करती है 2 इयर्स और 75,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी, जिसे आप एक्सटेंड भी करवा सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो हेडलैम्प यूनिट की अगर हम बात करें तो सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड मिल जाते हैं एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, प्रोजेक्ट हेडलैम्प, हैलोजन बल्ब की कॉम्बिनेशन, और नीचे फॉग लैम्प आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। पियानो ब्लैक फिनिश दिया गया है और टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में, और यहाँ पे फ्रंट ग्रिल पियानो ब्लैक फिनिश में, बीच में टाटा का लोगो, बहुत ही शानदार इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। जहाँ तक एयरडैम और स्किड प्लेट की बात करें तो इस वेरिएंट में आपको ब्लैक कलर में ही मिलने वाले हैं, और उसके ऊपर ट्राई एरोसेफ डिजाइन भी ब्लैक कलर में मिलने वाले हैं, और फॉग लैम्प को एज एन एसेसरी के तौर पर आप इंस्टॉल करवा सकते हैं। चलिए साइड प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो इसके फ्रंट में मिलते हैं डिस्क ब्रेक एंड रियर में मिलते हैं आपको ड्रम ब्रेक, और वहीं सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में मैकफर्सन स्ट्रट एंड रियर में मिलते हैं ट्विस्ट बीम विद कोयल स्प्रिंग। डायमेंशंस की बात करें तो लेंथ 3993 mm, विड्थ 1811 mm, हाइट 1606 mm, व्हील बेस 2498 mm, ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm, बोट स्पेस 350 लीटर्स एंड फ्यूल टैंक दिया गया है 44 लीटर्स। और इसके साथ ही साइड प्रोफाइल में दिया गया है 16 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर, और व्हील साइज रहने वाला है 195/60R16। ORBM आपको मिलते हैं ब्लैक कलर के एलईडी टर्न इंडिकेटर के साथ, विच इज इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। रोर हैंडल आपको ब्लैक कलर में ही मिलते हैं, और यहां पे बहुत ही शानदार ड्यूल टोन आपको रूफ रेल्स भी प्रोवाइड किया गया है। और रियर प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पे बहुत ही शानदार एलईडी टेल लैम्प प्रोवाइड किया गया है, जो कि स्टैंडर्ड रखे गए हैं सभी वेरिएंट्स में। और रियर में आपको सबसे ऊपर इंटीग्रेटेड स्पॉइलर विद हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प और एंटीना यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, और डिफॉगर और रियर वाइपर इस वेरिएंट में आपको नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा एक्स फैक्टर और टाटा का लोगो, पियानो ब्लैक फिनिश और टेल गेट पे दिया गया है आपको यहाँ पे नेक्सॉन की बैजिंग, और बम्पर के दोनों ओर आपको रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं बहुत ही शानदार पियानो ब्लैक फिनिश हाउसिंग में, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और रियर बम्पर पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी मिल जाते हैं। ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर पूरी तरह ब्लैकआउट किया गया है। चलिए बात करते हैं इसके इंटीरियर की। तो हमेशा की तरह बात करते हैं फ्रंट डोर की। तो इसमें आपको डोर हैंडल में ग्रे फिनिश देखने को मिलता है, जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो। और इसके अलावा इसमें आपको पावर विंडो के कंट्रोल प्रोवाइड किया गया है, और डोर हैंडल आपको ब्लैक कलर में ही दिया गया है ट्विटर, और यहाँ पे ORBM के कंट्रोल आपको दिए गए हैं, ट्विटर दिया गया है, नीचे स्पीकर, और यहाँ पे अम्ब्रेला होल्डर, 1 लीटर बोटल होल्डर, थोड़ी सी जगह। इंटीरियर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फैब्रिक अपोस्ट्री ट्राई एरोसेफ डिज़ाइन दिया गया है, और हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। और इसके अलावा डैशबोर्ड लेआउट की बात करें XM वेरिएंट की, तो एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। ड्यूल टोन डैशबोर्ड लेआउट प्रोवाइड किया गया है, काफ़ी प्रीमियम लगते हैं टाटा नेक्सॉन के डैशबोर्ड लेआउट, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। चलिए बात करते हैं सेंटर कंसोल की। तो यहाँ पे स्टोरेजेज आपको देखने को मिलते हैं, 2 कप होल्डर, और पियानो ब्लैक फिनिश में हैंड ब्रेक, और मल्टी ड्राइव मोड्स, इको, सिटी एंड स्पोर्ट, 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पियानो ब्लैक फिनिश में, और आगे आपको मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल और AC वेंट, और यहाँ पे मिल जाते हैं आपको म्यूजिक सिस्टम,
जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो हरमन के म्यूजिक सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, रेडियो एफएम ऑक्स एंड यूएसबी को, और बहुत ही शानदार रिस्पॉन्स इसका है। साउंड क्वालिटी बहुत ही अच्छी खासी इसकी है। और इसके अलावा सेगमेंट में सबसे लार्ज ग्लोब बॉक्स आपको मिलते हैं। यहाँ पे टैबलेट ट्रे इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। को पैसेंजर साइड वैनिटी मिरर प्रोवाइड किया गया है, और इसके अलावा सेंटर में दिया गया है सनग्लास होल्डर और कैबिन लाइट एलईडी में। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर हम बात करें तो बहुत ही शानदार डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रोवाइड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जिसका इंटरफेस कुछ इस तरह रहने वाला है, जिसमें ड्राइव असिस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको डिजिटली मिल जाती है। चलिए बात करते हैं इसके रियर कैबिन की। हमेशा की तरह रियर डोर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फ्रंट डोर की तरह ही ग्रे फिनिश आपको दिया गया है डोर हैंडल पे, और इसके अलावा पावर विंडो के कंट्रोल और ट्विटर और स्पीकर दिया गया है। वहीं रियर डोर पे आपको मिल जाते हैं 1 लीटर का बोतल होल्डर, थोड़ी सी जगह जिसमें आप मैगजीन वगैरह रख सकते हैं। चलिए आप बात करते हैं इंटीरियर रियर कैबिन कम्फर्ट की। तो यहाँ पर आपको मिलते हैं इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट, और जैसे कि आप यहां पे देख पा रहे हो, और लेग रूम हेडरूम की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़बरदस्त जगह यहां पे मिल जाती है। कोई भी आपको दिक्कत नहीं होने वाली है लेग रूम में, और हेडरूम में भी आपको कोई भी दिक्कत यहां पे नहीं होने वाली है। वहीं हम बात करते हैं रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो एक्सम वेरियंट में डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों। अच्छे से एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, बहुत ही शानदार रहने वाला इसका डैशबोर्ड लेआउट। वहीं बूट स्पेस की बात करें तो यहाँ पे बटन दिया गया है जिसे पुश करके आप बूट गेट को ओपन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कितनी जगह आपको मिल पाती है। और टाटा नेक्सॉन में 350 लीटर का बूट स्पेस आपको प्रोवाइड किया गया है, एक बार अच्छे से चेकआउट कर लीजिएगा। और लेफ्ट साइड दिया गया है बूट लैम्प 2 कोट हुक के साथ, राइट साइड भी 2 कोट हुक दिया गया है। और स्पेयर व्हील की अगर हम बात करें तो इसमें दिया गया है जस्ट इसके अंडरनीथ स्पेयर व्हील और उससे रिलेटेड टूल्स भी, और रियर सीट इसके फ्लैट फोल्ड हो जाते हैं जिससे आप बूट एरिया को बढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा बूट गेट पे दिया गया है ग्रैब हैंडल जिसे ग्रैब करके आप बूट गेट को क्लोज कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं इसके इंजन की। इसमें मिलते हैं आपको BS6 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 3 सिलेंडर रेबरटोन टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन। पावर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 118.3 bhp की पावर 5500 rpm पे एंड 170 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 4000 rpm पे। ट्रांसमिशन आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है। वहीं इसमें डीजल इंजन की बात करें तो मिल जाते हैं BS6 कंप्लाइंट 1.5 लीटर 4 सिलेंडर रेबरटॉक डीजल इंजन। पावर परफॉर्मेंस की बात करें तो 108.5 bhp की पावर 4000 rpm पे 260 nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है 2750 rpm पे। इसमें भी आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाते हैं। सेफ्टी फीचर्स की अगर हम बात करें तो आपको इसमें मिलते हैं ड्यूल एयरबैग, ABS विद EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड, सेंट्रल लॉकिंग, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इंपैक्ट बीम, साइड इंपैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, ट्रैक्शन कंट्रोल, डोर अजर वार्निंग, रोल ओवर मिटिगेशन, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्रीफिल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, फॉलो मी होम हेडलैम्प्स, आइसोफिक चाइल्ड सीट एंकरेज, प्रीटेंशनर एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। ये थी दोस्तों कंप्लीट वॉक अराउंड रिव्यू VS6 टाटा नेक्सॉन XM वेरिएंट की। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और एक लाइक तो बनता है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।